जो संसदीय परंपरा और लोकतंत्र का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था संसद में, नए सदस्य जो चुन के आए थे, मध्य रात्रि तक भी सदन चला के आपने उनको अवसर दिया और उनमें कौशल विकसित किया और 18वीं लोकसभा में भी आप उस कीर्तिमान को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी हम लोगों ने आपकी कार्यशैली देखी। आपने 17वीं लोकसभा में जो संसदीय परंपरा और लोकतंत्र का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था संसद में, आपने उच्च लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित किया था 17वीं लोकसभा के दौरान। नए सदस्य जो चुन के आए थे, जो पहली बार संसद के सदस्य बने थे, उनको आपने अवसर दिया, मध्य रात्रि तक भी सदन चला के आपने उनको अवसर दिया और उनमें कौशल विकसित किया ताकि वो संसद के कार्यवाही में एक कुशल सांसद के रूप में भाग ले सके। यह कीर्तिमान आपने स्थापित किया। आपने संसद में कई दिनों तक शून्यकाल में सिर्फ महिला सदस्यों को ही अवसर दिया कि वो अपनी बात रख सके, यह अपने आप में एक कीर्तिमान था। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने 17वीं लोकसभा में एक कीर्तिमान स्थापित किया और इसलिए हम समझते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष बने हैं और 18वीं लोकसभा में भी आप उस कीर्तिमान को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।